सो निकलने से सबसे पहले चेक करते हैं ऑयल, देखते हैं कितना तेल है गाड़ी में। मीटर में तो फुल दिखा रहा है, देखते हैं। अरे वाह बेटा मौज कर दी, टंकी तो फुल है। अभी के टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हो और आपकी टंकी फुल है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर चल रहा है पुल का काम गाड़ीबाग में, तो ये पुल शायद डबल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर बहुत जाम लग जाता है। लौटे कह रहे रेस कर लें, लेकिन मेरा अभी रेस का बिल्कुल मूड नहीं। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ रामगढ़, अभी मैं हल्द्वानी से निकल चुका हूँ, तो सीधे मिलते हैं रामगढ़ में। फाइनली पहुँच चुका हूँ रामगढ़, ये मल्ला रामगढ़ है। ऑब्वियसली ये सोले वाला रामगढ़ नहीं है, ये उत्तराखंड वाला रामगढ़ है। तो अभी मुझे जाना है तल्ला रामगढ़, तो अभी निकलते हैं तल्ला रामगढ़ को। अभी ट्रैफिक बहुत कम है इस रोड पे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ते जाएगा क्योंकि टूरिस्टों का आना स्टार्ट हो जाएगा। और मुक्तेश्वर को भी इसी रोड से होते हुए जाते हैं, ये राइट हैंड साइड को जाएंगे मुक्तेश्वर को, 23 किलोमीटर यहाँ से मुक्तेश्वर है, लेकिन हमें जाना है तल्ला रामगढ़ और नथुआखान, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे। वैसे तो रामगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, लेकिन इसके अलावा यहाँ बहुत सारे फल जैसे आड़ू सेब पुलम और भी कई प्रकार के फल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए मैं आपको एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, उसमें देखिए आपकी रामगढ़ कितना खूबसूरत है। तो अभी मैं हूँ तल्ला रामगढ़ और मल्ला रामगढ़ के बीच में। पहाड़ में आप जब भी ट्रेवल कर रहे हो तो हॉर्न ज़रूर बजाएं मोड़ में, क्योंकि यहाँ ब्लाइंड मोड़ होते हैं, पता नहीं चलता है कि कब कौन आने वाला है, और बहुत से लोग रॉन्ग साइड से भी चले आते हैं। इसलिए एक तो अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें और दूसरा हॉर्न का प्रयोग करते रहें, क्योंकि अगर अगला बंदा अगर रॉन्ग साइड से भी आ रहा हो तो अलर्ट हो जाएगा हॉर्न सुन के, क्योंकि अगर चोट लग गई तो फिर ये बात मायने नहीं रखती है कि कौन रॉन्ग साइड से आ रहा है कौन राइट साइड से आ रहा है।
फाइनली पहुंच गए हम तल्लारामगढ़। तो ये है यहाँ की मार्केट, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक है। ये है तल्लारामगढ़ का इंटर कॉलेज और ये उसका ग्राउंड भी है। तो अभी मेरी राइड चली है रामगढ़ की गलियों में, तल्लारामगढ़ की गलियों में। ये नदी तो पूरी सूख चुकी है, ओहो बारिश वारिश हुई नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। यहाँ को थोड़ा पानी दिख रहा है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का ही है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।